डॉक्टर साहब आपको जो भी इलाज करना है कर लो, पर मेरी बायोप्सी मत करना। डॉक्टर साहब कुछ भी करो मेरा ट्यूमर मत छिड़वाना। डॉक्टर साहब मेरी बायोप्सी करोगे तो मेरा ट्यूमर फैल जाएगा। डॉक्टर साहब बायोप्सी करोगे तो ट्यूमर तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। इस तरह के सेंटेंस मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते ओपीडी में सुनता हूँ। और ये कॉमन मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर और अग्रेसिव हो जाता है, कैंसर फैल जाता है। पर इस मिथ की सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड दिस मिथ? तो आज के वीडियो में आपके बायोप्सी से रिलेटेड मैं सारे मिथ सॉल्व करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में से एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन मिथ या बिलीफ है कैंसर पेशेंट्स में और जनरल पब्लिक में भी कि कैंसर की बायोप्सी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे ट्यूमर छिड़ जाता है और बीमारी फैल जाती है, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है या पेशेंट के लिए कोई रिस्क हो सकता है। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट मिथ को डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस वीडियो के जरिए जानकारी एग्जैक्टली समझाऊंगा कि मिथ क्यों गलत है और ये मिथ क्यों कि ना बिना किसी रैशनल के और पेशेंट सेफली अपनी बायोप्सी करा सकते हैं। दो, सबसे पहले बात करते हैं कि बायोप्सी का ये मिथ एक मेजर प्रॉब्लम क्यों है, व्हाई इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो मोटा मोटा देखो यार, बायोप्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। बायोप्सी जो प्रोसीजर है, कैंसर का जो इलाज है, उसका यूजुअली फर्स्ट स्टेप होता है। और यदि पेशेंट का बायोप्सी नहीं होगा तो ना तो कैंसर डायग्नोज हो पाएगा, ना कैंसर का टाइप पता चल पाएगा और ना उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। और व्हाट हैपन्स मेनी टाइम्स इज कि जब पेशेंट का अर्ली स्टेज कैंसर है, वो बायोप्सी के डर से उसको छिड़वाते नहीं है या टच नहीं करवाते, और उनका फिर क्या होता है कि उस टाइम वो कोई ऑल्टरनेटिव या नॉनसेंस ट्रीटमेंट करते रहते हैं कि इस उम्मीद में कि बिना बायोप्सी मेरा इलाज हो जाए। और जब एक फर्स्ट स्टेज कैंसर जो हाईली क्योरेबल है बढ़ के थर्ड या फोर्थ स्टेज में आ जाता है, तब पेशेंट भाग के अपनी बायोप्सी कराता है और इलाज कराता है और उसकी लाइफ को खतरा पड़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक के माइंड से बायोप्सी का फेयर को रिमूव करना और उनको एग्जैक्टली समझाना कि बायोप्सी क्यों एक सेफ प्रोसीजर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली बायोप्सी का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ बायोप्सी। तो बायोप्सी शब्द से कंफ्यूज मत हो, बायोप्सी बस एक जनरल टर्म है जिसका बस इतना मतलब है कि हम कैंसर का एक सैंपल निकाल रहे हैं और उसकी जांच के लिए उसको लेबोरेटरी में भेज रहे हैं। अब वो सैंपल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि सपोज किसी को स्किन में एक गांठ है तो स्किन को रगड़ के अगर कुछ सेल निकाल लेते हैं तो वो भी एक तरह की बायोप्सी है। किसी को जीभ में गांठ है उसमें एक पतली से सुई डाल के कुछ सेल निकाल लेते हैं तो वो भी एक बायोप्सी है। किसी को ब्रेस्ट में गांठ है उस पर एक कट निकाल के उस टुकड़े को निकाल लेते हैं तो वो भी बायोप्सी है। किसी की लिवर में गांठ है उसमें पतली सुई डाल के सैंपल निकाल लेते हैं तो वो भी बायोप्सी है। और किसी को ब्लड कैंसर है और उसका एक ब्लड सैंपल निकाल लेते हैं तो वो भी एक बायोप्सी है। तो बायोप्सी एक नॉन स्पेसिफिक जनरल टर्म है जिसका मतलब है कि कैंसर के सेल बॉडी से निकालना और उनको टेस्टिंग के लिए भेजना। तो बायोप्सी जैसे मैंने समझाया, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है। इसको हम सर्जिकली कर सकते हैं, मतलब कुछ ऑपरेशन करके कर सकते हैं, जब पतली सुई घुसा के कुछ सेल निकाल के कर सकते हैं, वेरियस मोडलिटी से बायोप्सी कर सकते हैं। बट एंड रिजल्ट सबका यही है कि कैंसर के सेल का एक सैंपल निकाल के लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाना। तो बायोप्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और कैंसर के इलाज के लिए बायोप्सी को एक वाइटल प्रोसीजर माना जाता है। मेजॉरिटी ऑफ कैंसर का इलाज आज के एरा में बिना बायोप्सी नहीं होता है। रीज़न इसके मल्टीपल है। नंबर वन है, बायोप्सी कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करती है। तो यदि फॉर एग्जांपल किसी को लंग में गांठ है तो जब तक हम बायोप्सी नहीं करते, चाहे हम पेट स्कैन कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, कुछ भी टेस्ट कराएं, हम कैंसर का डाउट रख सकते हैं। 90-95% श्योर हो सकते हैं कि कैंसर है, पर 100% श्योरिटी बायोप्सी के बाद ही होती है, क्योंकि 3-5% में TB का केस भी कैंसर ऐसा दिख सकता है, चाहे आप पेट स्कैन कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, कोई भी टेस्ट कराओ। तो फाइनल कंफर्मेशन बायोप्सी के बाद ही होता है, जिसके बाद हम सेफली पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो टारगेटेड हो, इम्यूनोथेरेपी हो, कीमो हो, सर्जरी हो, उसके बाद ही पेशेंट का उस तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो नंबर वन है, बायोप्सी कैंसर के कन्फर्मेशन का एक वाइटल स्टेप है और किसी भी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट बिना बायोप्सी के नहीं होता है नॉर्मली। नंबर टू, बायोप्सी में हम कैंसर के जो सैंपल निकालते हैं उसकी टेस्टिंग करके हम वाइटल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कि कैंसर का इलाज कैसे करना है, जिसको हम बायोमार्कर टेस्टिंग बोलते हैं। तो एक तो माइक्रोस्कोप नीचे देख सकते हैं कि सेल्स दिखते कैसे हैं, दूसरा उसके ऊपर कुछ टेस्ट कर सकते हैं जो बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंसर में क्या दवाइयाँ काम करेगी और क्या दवाइयाँ नहीं काम करेगी, जिसकी मदद से हम पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सकते हैं विद लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। तो इस तरह की बायोमार्कर टेस्टिंग बिना टुकड़े की जाँच के नहीं हो सकता। कुछ बायोमार्कर है जो ब्लड सैंपलिंग से हो जाते हैं, पर आज के दिन भी मेजॉरिटी ऑफ बायोमार्कर्स कैंसर के टुकड़े पर ही टेस्ट होते हैं। तो एक प्रेसिजन और अच्छा कैंसर का इलाज के लिए बायोप्सी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इन दो रीजन के लिए बायोप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। तो नेक्स्ट लेट्स टॉक की बायोप्सी में क्यों बता रहा हूँ कि एक सेफ प्रोसीजर है, उसमें कोई डेंजर नहीं है, उसको बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो सबसे पहले, जो लोग ये मानते हैं कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, वो कैंसर के बारे में उनके माइंड में एक गलत इमेज है। उनको लगता है कि कैंसर एक सॉलिड फुटबॉल की तरह है, जिसमें अगर सुई मारोगे तो जैसे फुटबॉल से हवा निकल जाती है वैसे कैंसर सेल फटके बाहर आएंगे।
परंतु साइंस आज के दिन कहता है कि रियलिटी ये है कि कैंसर डज इज नॉट लाइक अ बॉल ऑफ सेल, कैंसर सेल्स की एक बॉल नहीं होता, कैंसर में वेरियस सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस भी होता है, सेल्स के बीच में ब्लड वेसल भी होते हैं, सेल्स के बीच में इम्यून सेल भी होते हैं, सेल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, और सेल के बीच में फाइबर भी होता है, और ऑल द टाइम बॉडी के सेल इससे एक्सचेंज होते रहते हैं। यदि बॉडी की इम्यून सेल कैंसर में घुसते हैं फिर निकल के वापस आ जाते हैं, बॉडी का ब्लड कैंसर में घुसता है वापस आ जाता है, तो कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑलरेडी एट ऑल टाइम किसी भी ट्यूमर के अंदर होता है। ट्यूमर बॉडी से अलग नहीं है, ट्यूमर बॉडी का हिस्सा है। तो यदि उस ट्यूमर के अंदर हम कोई नीडल इंट्रोड्यूस भी करें तो हम कोई एक्स्ट्रा कोई फुटबॉल का लेयर डिसरप्ट नहीं कर रहे हैं, एक पोरस टिश्यू जिसमें ऑलरेडी चीज़ें अंदर बाहर जा रही है उसके अंदर बस एक और चीज़ हम अंदर बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली बाय डूइंग अ बायोप्सी हम एक अननेचुरल प्रोसेस नहीं कर रहे, हम एक नेचुरल प्रोसेस को ही आर्टिफिशियली मिमिक कर रहे हैं ताकि ट्यूमर का एक सैंपल हमारे हाथ में आ जाए। साथ ही बहुत एक्सटेंसिव साइंटिफिक रिसर्च जो सालों तक होती आई है उसने मल्टीपल ट्यूमर टाइप्स में, मल्टीपल कैंसर टाइप्स में ये प्रूव किया है कि कैंसर बायोप्सी करने से नहीं फैलता। इनफैक्ट फॉर दैट रीज़न ओनली बायोप्सी को वर्ल्ड वाइड सेफ माना जाता है, और किसी भी कैंसर पेशेंट का, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, यूरोप हो, उसका साइंटिफिक मॉडर्न ट्रीटमेंट बिना बायोप्सी का नहीं होता है, एंड बायोप्सी इज कंसिडर्ड अ बेस्ट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। थर्ड है एनेक्डोटल। तो कई बार पेशेंट मुझसे ये बोलते हैं कि सर युवराज सिंह ने तो बायोप्सी नहीं कराई, तो मैं आपको बता दूं कोई भी कैंसर सेलिब्रिटी को यदि आप जानते हो उनमें से किसी का भी कैंसर का इलाज बिना बायोप्सी का नहीं हुआ है, चाहे युवराज सिंह का हो, चाहे संजय दत्त का हो, चाहे कोई भी हो, विदाउट बायोप्सी इनमें से किसी के कैंसर का इलाज नहीं हुआ है। इनफैक्ट युवराज सिंह की किताब है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और उस किताब में उन्होंने बताया कि उनका दो बार टेस्टिंग हुआ है, एक बार FNAC हुआ था और एक बार बायोप्सी हुआ था, और उसका कैंसर भी बायोप्सी के बाद ही ट्रीट हुआ था। तो पेशेंट ये कहते हैं कि सर मुझे तो लोगों ने बताया है कि ऐसा है और मैंने ऐसा केस भी देखा हुआ है, तो ये मैं मानता हूँ कि आप कुछ भी कहो, मैं न मानता हूँ कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। तो मैं अब डिस्कस करूँगा कि ये मिथ का मुझे क्या लगता है, क्या रीज़न है, क्यों ये मिथ पब्लिक में है और क्यों इससे पेशेंट्स की जाने जाती है। तो मेरे हिसाब से देयर आर 3 मेन रीज़न फॉर प्रेजेंस ऑफ दिस मिथ। नंबर वन ये है कि यदि हम 20-30 साल पीछे जाए तो एक इरा था जहाँ पे कैंसर का डेथ रेट बहुत हाई था। उस टाइम पे कैंसर में जिस भी पेशेंट को कैंसर होता था तो 90% पेशेंट्स की डेथ ही होती थी, वो एक इरा था। यदि इफ़ यू गो बैक 30-40 ईयर्स मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स की उस टाइम पे कैंसर से डेथ ही होती थी। तो उस टाइम पे मोटा मोटा हर पेशेंट जिसकी बायोप्सी होती थी, कैंसर प्रूव होता था, उनकी किसी ना किसी रीज़न से डेथ ही हो जाती थी। तो उस रीज़न से पेशेंट्स को लगता था कि भाई बायोप्सी हो गई और डेथ हो गई, तो इस चीज़ को लिंक कर लेते थे कि भाई जिसकी बायोप्सी हो गई उसकी डेथ हो गई, नॉट रियलाइजिंग कि कैंसर में जिसकी बायोप्सी नहीं हुई उसकी भी डेथ होती है। पर चूंकि वो पेशेंट का डायग्नोसिस प्रूव हो गया बायोप्सी से, पेशेंट को ये लगता है कि इसकी, हाँ डॉक्टर साहब उसकी बायोप्सी हुई है तो इसलिए उसकी उसकी डेथ हो गई। पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का एरा कम्प्लीटली डिफरेंट है। आज के टाइम पे 2/3 कैंसर पेशेंट कम्प्लीटली क्योरेबल है, और जो 1/3 नॉट क्योरेबल है उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट बहुत लंबी, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं। तो उस इरा का एक्सपीरियंस हम इस इरा में एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर टू, मिथ सेल्फ परपेचुएटिंग होता है। यदि एक बार किसी ने एक आदमी को मिथ बता दिया तो फिर बंदा बोलता है हाँ मैंने भी ये सुना है, तो जब 10 लोग दूसरे को एक ही चीज़ खुसर खुसर करते हैं तो चीज़ सेल्फ परपेचुएटिंग मिथ बन जाता है। जैसे कि गॉडज़िला का मिथ हो या कोई मॉन्स्टर का मिथ हो, तो इट इज़ अ सेल्फ परपेचुएटिंग मिथ जो कई बार एक्सपीरियंस के रूप में बेस्ड नहीं होता। एक आदमी बोलता है मेरे चाचा किसी को जानते थे, दूसरा बोलता है मेरे मामा को हुआ है, एंड सो फोर्थ। तो एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल हो जाती है फॉर द रीज़न आउटलाइंड बिफोर, और मिथ फैलता चले जाता है। और नंबर थ्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट डायग्नोसिस। तो कई बार क्या होता है, देखो मान लो सपोज किसी को टंग पे एक छोटी सी गांठ है और सब लोग कहते हैं कि देख के कैंसर लग रहा है, और कोई उसको बोलता है कि तुम बायोप्सी करा लो ताकि तुम्हारा इलाज शुरू हो सके, और पेशेंट सपोज मिथ की वजह से, डर की वजह से अपनी बायोप्सी नहीं कराता। धीरे धीरे गांठ बढ़ती जाती है और किसी पॉइंट में वो इतनी बड़ी हो जाती है और इतनी पेनफुल हो जाती है कि वो स्टेज 4 हो जाती है, और तब लोग कहते हैं कि भाई फटाफट इलाज कराओ चाहे कुछ भी हो, और पेशेंट उस स्टेज पर जाके अपना बायोप्सी कराता है और इलाज शुरू कराता है। और उस पॉइंट तक सपोज पेशेंट इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसमें कोई इलाज काम ना करे, पेशेंट बेड पे आ जाए और उसकी डेथ हो जाए, तो कई बार पेशेंट फिर ये बोलेगा कि भाई इसको तो गांठ 1 साल से थी, तब तो बिल्कुल ठीक था, और उसने अभी बायोप्सी कराई और अभी उसकी डेथ हो गई, नॉट रियलाइजिंग कि उसकी डेथ का रीज़न एक एडवांस कैंसर है जिसको 1 साल तक इग्नोर किया गया, नॉट डैट बायोप्सी करने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो ये एक और रीज़न है कि ये मिथ बड़ा पॉपुलर है सोसाइटी में, कि कई बार लेट डायग्नोसिस या लेट ट्रीटमेंट की वजह से लोग अपनी बीमारी को इग्नोर करते हैं, और जब तक वो बायोप्सी की नौबत आती है तब तक चीज़ें हाथ से निकल जाती है और पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता। ये एक और रीज़न है इस कॉमन मिथ का कि बायोप्सी कैंसर नहीं स्प्रेड करती। तो इन कंक्लूजन,
मैं फिर से हर कैंसर पेशेंट को या हर ले पर्सन को स्ट्रांगली रीइन्फोर्स करना चाहता हूँ कि कैंसर की बायोप्सी से ना कैंसर फैलता है, ना कैंसर और एग्रेसिव होता है, और कैंसर बायोप्सी कैंसर के ट्रीटमेंट का एक फंडामेंटल पार्ट है। यदि आप किसी भी कैंसर सर्वाइवर को जानते हो आज के दिन, उसका बायोप्सी ज़रूर हुआ है, किसी भी कैंसर सर्वाइवर से आप पूछोगे तो वो ज़रूर बताएगा कि मेरे कैंसर का बायोप्सी हुआ था। तो इस मिथ को छोड़ो, और यदि आप किसी इरेशनल फियर से अपनी बायोप्सी अवॉइड कर रहे हो तो उसको आप कम्प्लीटली छोड़ के अपना स्ट्रॉन्ग फुट फॉरवर्ड लेके अपने कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की तरफ पहला कदम उठाइए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट मिथ इस वीडियो से आपके माइंड से क्लियर हुआ होगा। यदि इस वीडियो में डिस्कस्ड इन्फॉर्मेशन के अलावा आपके माइंड में कोई डाउट या सवाल है तो स्क्रीन के कमेंट्स में या स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का आंसर दूं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। यदि कैंसर के टॉपिक में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी कम्युनिटी का मेन पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे देश के पेशेंट्स को उनकी लैंग्वेज में उनको मिले, ताकि हमारे पेशेंट्स का आउटकम वर्ल्ड का नंबर वन रहे। तो इस मिशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।